بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. मैं बोल रही हूँ. आप बोलेंगी जी. क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरा नाम. इसी काम नहीं कर रहा है क्या बात है? पिछली बार तो बंद कर. हाँ, या पंखा बंद कराया हुआ तुम लोगों ने? वो तो पंखे थे उधर बेचारों वाले, तो अशर हो गया उन्होंने तो, है ना? गर्मी है. हाँ, वो वैसे भी वो लैलो माँ जो है तो निरा हीटर आसे पास साछड़े होने लगे. तो पंखा चलवा दो, थोड़ी मेहरबानी. नहीं इतनी तुम्हारी किडनी है? किडनी ठीक है, आप माफ़ कर दो सारों को. जी बेटा जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, बच्चे का क्या नाम है? सर मेरा नाम बसीरतुलाइशा है, गुजरांवाला से. हाँ, बसीरतुलाइशा ये डिफरेंट सा नाम था जी. कल मैंने आपको. हैं और मियाँ साहब का क्या नाम है? साजिद अली. मैं असल में मेरा ख्याल है इसको पहले इजाज़त दिया तो साथ ही आपको कहा अच्छा आप भी आ जाना, आपका भी फ़ोन साथ ही है यार. आपकी बहस थी यही कि जी मैंने आना ही आना है. जी जी बिल्कुल. मैं उस वक्त में किसी ऐसी जगह पर स्टक्ड अप था कि मैं लंबी बात भी नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा अच्छा यार आ जाना. और मियाँ साहब का नाम साजिद है? साजिद. और बच्चे को क्या मसला है? सर इसको ऑटिज्म है. जी ऑटिज्म डायग्नोस हुआ. आप दोनों आपस में कजन हो? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल. कजन मैरिज भी नहीं है फिर नहीं, भी ठीक है. वैसे सारे कजन ही हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हो. तो कितने बच्चे हैं पहले? सर एक ही बेटा है हमारा. ये एक ही बेटा है और ये पैदा हुआ है तो अब कितने साल का हो गया? सर ये अभी 7 साल का हो गया, नवंबर में 7 साल का हो जाएगा. ठीक है. आपने वो ऑटिज्म वाली वीडियोस देखी हैं? सर मैंने सारी वीडियोस देखी हैं. दोनों मियां बीवी ने देखी? जी जी हमने देखी है सर. उसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है, या उन्होंने कैसे उनके बच्चे में चेंज आया या आ रहा है. जी जी बिल्कुल. ठीक है. कुछ और भी आए हैं लेकिन वो शायद अभी उसमें इकट्ठे नहीं है. मुख्तलिफ दुआ सेशंस में हैं लेकिन उधर अभी कलेक्शन में नहीं है. तो उसमें आप दोनों ने क्या सीखा? सर मैं यहाँ पे वही उसी के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत देर से, मतलब इमादुद्दीन वाज 2.5 ईयर्स जब एग्जैक्टली इसका डायग्नोसिस हो गया था, और तब से लेके अभी तक मतलब कोई भी जैसे थेरेपीज रिकमेंड करते हैं या कुछ भी दम रिकमेंड करते हैं, जो भी बताते हैं हम वो करते हैं. और अल्लाह का बहुत एहसान है कि इसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है भी, कि बहुत ज़्यादा हाइपर था, बहुत इसकी हेल्थ ख़राब सब कुछ. लेकिन किस थेरेपी के बाद फ़र्क पड़ा है? दवाइयों से फ़र्क पड़ा सर? नहीं नहीं, दवाइयाँ तो कभी हमने नहीं दी. सूरह रहमान सुनी है आप दोनों ने? सूरह रहमान भी सुनी है सर, लेकिन मतलब उस हम मतलब अभी मैंने इस तरीके से नहीं सुनी जैसे आप बताते हैं ना. क्या करने, यही मसला है तुम लोगों का. सर मैं आपको बताती नहीं क्यों बताती हूँ. मुझे जब मैं पिट पिट के मर गया हूँ, 2100-2200 वीडियो है, मिनते तरले कर रहा हूँ कि ये आपने घर में करना है, खुद करना है, आप ठीक हो जाए बच्चा ठीक हो जाएगा. और आप एक दिन में ठीक नहीं होते, मुझे पता है. ठीक है, माँ बाप ठीक हो जाओ बच्चा ठीक होता जाएगा. इसके माँ बाप ही रहो, इसके अल्लाह ना बनो, इसकी 70 अमियाँ ना बनो. इसको पोजेस नहीं करो, इसको अल्लाह के आगे सरेंडर करो और उसके आगे शर्मिंदगी से मानो कि हम ही गलत हैं, हमारा ही कसूर है, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे. और अपने आप को ठीक करना शुरू करो, अपने अंदर से नफ़रत शिकवे शिकायतें ख़त्म करो. इसके दादा दादी नाना नानी अगर जिंदा हैं इसको मैक्सिमम बुज़ुर्गों के पास छोड़ो. ठीक है, उन्होंने इसके माँ बाप को सीधा कर दिया था, वो इसको भी सीधा कर देंगे. ठीक है, पिछला उनका कोई तजर्बा है, लेकिन उनके पास ज़्यादा देर रखो ना कि कहो कि नहीं मेरा बच्चा ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब कर देंगे, या मेरा ही बच्चा है मैंने नहीं जाने देना, ना दादे के पास या नाने के पास या नानी के पास. ये जो बुज़ुर्गान चारों हैं इनमें से जो जिंदा है उसके पास को ज़्यादा देर रखो. उसके बाद आपस में मियाँ बीवी दोनों जो हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनो. मत ये सोचो कि ये तो नमाजें कम पढ़ता है मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, या इसने तो एमकॉम भी किया हुआ है मैंने तो पीएचडी की हुई है. ठीक है, इसकी तनख्वाह कम है मेरी ज़्यादा है, मेरा ग्रेड ऊपर है इसका नीचे है. ठीक है, या असी राजपूत हैं तो या शेख ने. ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म करके आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक चीज़ बन जाओ ताकि आगे जो सिम आ गई है ये तो ठीक परफॉर्म करे. यू फोन और वारिद वालों ने मिलके अगर एक सिम बना ली है, चले माना यू फोन वालों के 12 आने के राइट्स हैं, 75% राइट्स हैं, खून आपका है दूध आपका है, लेकिन उन्होंने जाग दे लाई है ना. ठीक है, तो 4 आने का हिस्सा उनका है, वो निकलना नहीं है बीच में से. उसके दादा दादी नाना नानी चचा ताया मामू खाला फूफो ये सारों से बस प्यार ही करना है, किसी के लिए दिल में गुस्सा नहीं रखना.
और अल्लाह के आगे पेश होके कारी बासित मिस्री की आवाज़ में जो बग़ैर तर्जमे की सूरत रहमान है, आप दोनों मियाँ बीबी ने सुननी है। लाजमी नहीं है कि दोनों इकट्ठे सुनो, वो कहीं और बैठ के सुन ले, अगर वो दफ्तर में बिजी है आप कहीं और सुन ले, 20 मिनट लगते हैं, हेडफोन से सुन लो या बग़ैर हेडफोन के सुन लो, लेकिन वो 20 मिनट आपका ध्यान कहीं और ना हो। पुत्र जी मैनू खारिश होंगी पी है, तुहाडे हथ नहीं चार्ज हुंदा पिया, उत्ते तुसीं सारे मेरे मिली जांदे पर तुसीं ते सारे ठीक हो जी, तो मैं मना करना पे पैर इधर उधर करना पे, तुहाडी मेहरबानी, मुझे आप लोगों के अपने कनेक्शन अपनी रेडिएशन है, लेकिन मैं इधर जहाँ खप रहा हूँ इस वक्त वहाँ कोई और है, मुझे देखना पड़ता है 240 वोल्ट पे चलना है कि 110 पे चलना है, ठीक है। तो आप के अंदर जो आपस में मसले हैं ना, उन्हें ठीक करो, अपनी खोपड़ियाँ साफ करो, अपने दिल साफ करो, एक दूसरे के साथ भी, और अल्लाह की खातिर करो ये सब कुछ, अल्लाह पे एहसान करो। ये चलाकी सिखा रहा हूँ मैं, अल्लाह पे एहसान कर दो। अल्लाह तुम्हें अपने बच्चे की कितनी फिक्र है, और तुम लोगों को ये जितनी शरारतें कर रहा है, जितना तंग कर रहा है, उसमें जो बंदा तो उसकी बर्दाश्त कर रहा है ना बदतमीजियाँ, वो आप लोगों को बहरहाल अच्छा लग रहा है, जो जरा कोऑपरेट कर रहा है, जो टॉफी भी पकड़ा रहा है कि कोई बात कोई नहीं कोई नहीं खैर है, ठीक है, जो जरा घूर घूर कर देख रहे हैं कर रहा है, वो आप लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप करें सॉरी जी जी ये बस ऐसे ही है एन जी ए, इसके लिए तुम इतने कंसर्न हो। क्या करते हैं साहब आप? पढ़ाते हैं, टीचर हैं, कौन से लेवल पे? हाँ जी, किस लेवल के बच्चों को, कितनी साल की उम्र? यूनिवर्सिटी के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इतनी उम्र के बच्चे को तो नहीं पढ़ाया, ये टेम्परामेंट हर एक का नहीं होता, ठीक है। तो हूँ किंडरगार्टन का सपना पै गया है, नखरे भी उसके अपने हैं, ठीक है, तो ये टेम्परामेंट आपका नहीं है, ये किसी और का होता है, लेकिन अपना बच्चा है ना, बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है। तो अम्मा भी बड़े फख्र से देख रही है कि हाँ चाहे यूनिवर्सिटी का टीचर है, लेकिन बच्चा तो मेरा संभाल रहा है ना, ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है ना, काबू आया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे जी, अगर आपको अपने बच्चे का इतनी फिक्र है, बीमार है या शरारती है या बदतमीज है, लोग कई नाम इसके रखेंगे, ठीक है, वो जो है बनाने वाला, उसको नहीं अपनी मखलूक से प्यार, और वो कह रहा है 70 माओं से ज़्यादा प्यार है, माँ वाला ही प्यार है ना उसका, ठीक। अब माँ को अपने, मैं अपनी माँ के 6 बच्चों में से या 5 बेटों में से मैं सबसे कम कमाने वाला या नखट्टू नलायक भी हूँ, ठीक है, माँ की मैंने वो खिदमत नहीं कर सका जो बाकी चारों ने माशाल्लाह किसी न किसी तरीके से की है, उसके बावजूद मैंने देखा मेरी माँ मेरा दाव नहीं हारती, वो मुझे बराबर ही रखती है एतबार उन सारों, कहती है नहीं नहीं जो इसने किया तुम लोगों ने कोई नहीं किया, ठीक है, बराबर ही रखती है, ठीक। ये दुनिया की माँ जो है, इसको अपने बच्चे की इतनी फिक्र है, वो जिसने सबको बनाया हुआ कह रहा है मैं माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको इसकी फिक्र नहीं होगी? होगी ना, तो पहले तो उदे वाले कर दे, उसको इससे ज़्यादा फिक्र होगी, कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। उसने नहीं इसको ऐसे किया, ये जब 9 माह आपके पेट में था ना, आप कुछ ज़्यादा ही जलाल लो इकराम में थी, ठीक है, और गुस्से में भी थी, परेशानी में भी थी, ऊपर से जिक्र अस्कार बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वो सारा अंदर सुनता संतर है, ठीक। तो ये एबनॉर्मल नहीं है, पहले तो ये सुपर नॉर्मल है, ये समझ लेना, ठीक है। ये ज़रा आने वाले वक्त के लिए तैयार किए गए हैं, कंप्यूटर किड्स हैं, ये ज़रा कलंदरी महकमे का बच्चा है, ठीक, वहाँ से बैठा हुआ मुझे बीच में जो है ना कर रहा है, ठीक, पर हालांकि मैं उसने गल नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें पता मेरी गल हो रही है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है अगर इस बच्चे को कोई प्यार करता है, तो अगर आप अल्लाह के कोझे कानों को माफ़ कर लें, माना आप बहुत नेक हैं, आप बहुत नमाजी परहेजगार हैं, तो अगर आप ज़रा थोड़े से गुनाहगारों को बर्दाश्त कर लें, आप भी उसके गुनाहगारों को माफ़ कर दें, तो अल्लाह को आप पे प्यार नहीं आएगा, ठीक है। बिन देखे अल्लाह को मानना ये एहसान है, और उसकी मखलूक को उसकी खातिर माफ़ कर देना कि अच्छा अल्लाह मियाँ मैंने माफ़ किया, ये अल्लाह पे एहसान है। तो जब अल्लाह पे एहसान करोगे तो अल्लाह नहीं एहसान करेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ अदल नहीं एहसान करेगा, आपका जो बनता है उससे भी ज़्यादा दे देगा, ठीक है, वो कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो दुनिया नहीं कर सकती, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो आपके वसाइल में नहीं हो सकता, वो कर देता है, ठीक है। एवं नहीं मैंने धड़ल्ले से उस बंदी को ऑनलाइन लाइव पे कह दिया था
कि जाओ दरबार पे जाना, साथ अली हक को, मैंने तो अल्लाह का नाम बोला, उसको अल्लाह की दो सिफात को पुकारने को कहा, ठीक है। आगे वो माँ है, मुझे पता है इसके सर पे पड़ी हुई है, इसके घर पे पड़ी हुई है, इसके खामद की चाहे से हो पर बात थोड़ी बहुत ही ना हो, बेटे की तो होनी है, ठीक है। तो ये दिल से निकलनी ही निकलनी है, ठीक। मुझे तो नहीं उस वक्त पता था कि ये किस बेटे की माँ है, मैं उन्हें टीवी से जानता हूँ काफ़ी हद तक, ठीक है। मेरे अपने भाई जो थे ना एक, उनका ये स्टाइल था, ज़रा इससे भी दबंग था बल्कि, ठीक है। वो भी टीवी से बह के लोगों को टीवी से गाला गुला कर देते हमेशा, सीधी थोड़ा सीधी गल आ, तो मैं कि डरना तो आ जा। वो टीवी वाले भी आवन भी जैसे भी जरूर हाँ ठीक करी वसी साहब ठीक करी करे, ठीक। वो ऐसे ही थे, तो असी राजपूत हाँ, वो शेखा जो मैंने राजपूत नजर आया, हवा नहीं लड़ी जो, ठीक। लेकिन बहरहाल माँ थी ना चली गई, मुझे कहती हमने तो इतने महीने साल से घर का दरवाज़ा नहीं, मैं कहा जा चली जा, दुआ मंगी, एक कल्ला वाले दर ते घल देता, ठीक है। अल्लाह तो नज़र नहीं आता, ठीक है। अल्लाह कहते हैं हम सारे मानते हैं, ठीक है। अल्लाह चेक करते हैं कि ये जो नज़र आ रहा है इसको कितना मानते हैं। ये नज़र तो मैं आ रहा था, कल का छोकरा एक लड़का डॉक्टर, क्या फ्रॉड लेके सर्विस अस्पताल में बैठा हुआ है, और जी अब ये मेरी बात कितनी की मानती है। मैं ये भी कह सकता बस अली आके और जाएं घर, लेकिन थोड़ी सी पाख हमने डालनी होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं शुगर ठीक हो जाएगी, इंसुलिन भी लिखती है, गोलियां भी लिखती हैं, लेकिन आपने चीनी वाली कोई चीज़ नहीं खानी, मरीज ने खानी ही खानी, ऐसी कहना तैथू नहीं ठीक हुई, ठीक है। तो अल्लाह ये कहते हैं कि ये जो नज़र आ रहा है इसकी कितनी मानता है। अब मैंने उन्हें कहा जी चनियोट जाना है पहले, वहाँ एक दरबार है छोटा सा, आराम से मिलता भी नहीं है, मुझे पता है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके इस तरह सलाम करें, हो सकता है। वो उन्होंने पूरा अबाया किया हुआ था, बेटी का काउंटर चली जा रहा सी, उसका उसी वक्त कहें लाहौल वाला खुत अजीम अस्तगफरुल्लाह, ये कब्र वाले के पास भेज रहे हैं, हम नहीं सुनते, वो कौन सा सुनता है, हमने नहीं जाना, ये तो क्या होता है बिद्दत है फलाना है। लेकिन अम्मा जी के कान फड़ोए सन उस वे, उन्होंने कहा जिथे कहते हो जिमें कहते हो कि बाबा ही से मिली हुई जी, इन्हें कहा जो बाबे का बिठाया है तो जरूर कोई गल होगी, ठीक है। आप भी मिली हुई बाबा जी से, मुझे पता है, मुझे तो लगता है आप दोनों अल्लाह से मिली हुई हैं, मेरे खिलाफ ही कोई साजिश कर रही हैं, ठीक है। तो हम सारे अल्लाह से मिले हुए हैं, आज वो बच्ची आई नहीं हुई, कल वो क्लिनिक पे आकर उसने मेरी फड्डा डाल लिया, वो कहती है सर वो कुरान जीत में जो कालू बला वाली बात है, पढ़ी लिखी बच्ची मैंने तो समझ नहीं आई, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की मास्टर्स दी बच्ची, अल्लाह का शुक्र जिसको जिधर लगा दे, मॉडर्न पेंट शर्ट, मुझे कहती है वो मैंने मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह मियाँ सबके सामने थे, उन्होंने सबको पूछा कि मैं कौन हूँ, तो सब ने कहा हमारे अल्लाह मियाँ, मैंने कहा जी बिल्कुल, नहीं तो हमने अल्लाह को देखा था, मैंने कहा शायद, मैं कहा जी बेटा उस वक्त तो अल्लाह मियाँ वो जन्नत की बात है, उधर की बात है, हम रूहानी तौर पे थे, इन आंखों से नहीं उन आंखों से, पता नहीं क्या, मैं कहा पता नहीं क्या पूछ रही है, मैं कहा बेटा वो अल्लाह ने आलम अरवाह में बनाया ना, तो सबको पूछा था कि तुम्हारा कौन रब है और मुझे याद रखोगे। वो उठी और मेरा सुगरेबान फाड़ लिया, अजीब दिमाग खराब, मैं बड़े डरे उसी माँ के बेटा ना करने का, नहीं कहती फिर हम इधर आ कैसे गए, अगर हमने अल्लाह को देखा तो हम इधर कैसे आ गए, हमारी आंखें फट जाएं हम इधर, मैं कोई देखे एक्सक्यूज मी फलाना, बड़ी अंग्रेजी बोली मैं, लेकिन नहीं वो पता नहीं किस बैंड पे बोल रही थी, वो कहती नहीं अल्लाह को देख के कोई इधर आ, मैंने वापस जाना है, मैं क्या बाजी क्लिनिक चू वापस जाओ थोड़ी मेहरबानी, मुझे नहीं पता। वो कहे नहीं वो, और सीरियस बची वो, ओके कैसे ये कैसे हो सकता है, हमने अल्लाह को देखा हो और हम फिर उसके बाद हम कैसे इधर आ गए। मैंने पहले तो यह समझ नहीं थी आ रही, बड़ी मुश्किल में गिरेबान छुड़ाया अपना, ठीक है। बड़ी देर बाद मैंने जो पंजाबी मैं सच्ची दसा तौर पर मेरे भुल गए, मैं उसकी अम्मी ने कभी पूछा कि शिजोफ्रीनिया आजा गोलियां, उन्हें कहा नो, जिमें कहती सू दसिया नहीं, कितने फस गई, दसन डे ने कि माशाल्लाह है पढ़ती पई है, कि सवाल केड़ा आप कितों आ गया, और साथ रोई जा रही है, और सची वाला नोज जिसमें नाक से भी बह रहा होता है सारा कुछ, पता ही कोई नहीं उसको, क्योंकि कैसे आ गए हम कैसे, मैंने वापस जाना है, हम अल्लाह को देख के इधर आ गए हुए हैं। मैं कहा यार मेरे मौलान की आखना है, की जवाब देना है, मैं कभी लाजवाब नहीं, मैं उमर कोई ना कोई गोली करा देता हूँ, सूरह रहमान सुने, अल्लाह करें पानी पिए, मुझे समझ ना आए, ऊपर तो मुझे डर लगे, मैं कहना मैं जरा सा कोई काम जवाब दिया इन्हें कुटना है मैनू, ठीक है, सारा गुस्सा मेरे से कटेगी कि हम इधर आ कैसे गए,
यदि अम्मी अम्मी उसकी आगे नहीं ना ऊपर गई, बेटा ना प्लीज डॉक्टर साहब है, बेटा बदतमीजी हो रही है ये वो, मैं क्या कहा मैं छुड़ा, 7 फुट की कुड़ी फड़िया मैंने लगी, मैं ऊपर से वो घूमने वाली चेयर होती है उसे उठा भी नहीं जाता, मैं यार मेरे मौला मैं कल्ला आया, मतलब ये भी आई है मैं नहीं आया थी अम्मी भी आई है कल्ला मैनू फड़ी महल आके आया, ठीक है मैं पूछा मैं इसके अबू कहें कहते वो असेंबली से हलफ चुकन गए ना, मैं दसो मैं बड़े आराम से मैं बेटा मैं मेरी बात सुने फिर मैंने अल्लाह ने मैं यहाँ मेरे मौला वो फिर अल्लाह मेरे दिल च पाता है, मैं बेटा अल्लाह मियाँ ने मैं खुद भेजा था, ये क्या मतलब है, आप तो एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखा है उसमें आप कह रहे हैं कि हम खुद ही इधर आए थे, ये यार एक तो मैनू नहीं पता लगता कि कुछ कह जाना, मैं वो अल्लाह मियाँ ने कहा था ना कि ये दरख्त के पास नहीं जाना तो हम चले गए तो फिर इसलिए हमें इधर आना पड़ा, वो कहती नहीं लेकिन अल्लाह मियाँ ने पहले ही फरिश्तों को कहा था ये ज़मीन पे हुक्मरान होंगे तो फिर उन्हें पता था हमने उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, मैं कहते फिर अल्लाह ने आप ही फरसाया सन, वो थोड़ी जी अल्लाह तो पर हुई थोड़ी कहती ये अल्लाह मियाँ ने खुद ही किया, मैं बिल्कुल खुद ही किया, क्यों किया है, मैं उन्होंने फाड़ ला जा, मैं क्या करूँ अगर पेंट शर्ट से कोई बुरके वाली होती तो चलो खैर है, जाकर नायक के हस्से थे बेचारी फुल बुरके चाहिए, मेरे हस्से आ गई पेंट शर्ट जीन वाली, मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये सवाल आएगा, वो मैं कहा बेटा वो अल्लाह मियाँ का अपना कोई प्रोग्राम था उन्होंने प्लान किया हुआ था इसलिए अल्लाह मियाँ ने कहा चलो उधर चले जाओ और ये वो ना माने, वो कहे ये हो ही नहीं सकता, अच्छा फिर अल्लाह मियाँ देखने में कैसे रहे, मैं कहा मैंने आप नहीं याद अजीब उसकी सुई फंसी हुई, ये कैसे हो सकता है हम अल्लाह मियाँ को देख के इधर आ जाए, मैं कहा बेटा वो अल्लाह करीम ने सबसे कहा था कि मैंने छुपन छुपाई के लिए यह बनाया सारा काम, ठीक है मैं कहा छुपन छुपाई जो हम खेलते हैं ना उसमें सारे छुप जाते हैं एक बेचारा ढूंढता है, ठीक है अल्लाह मियाँ की छुपन छुपाई में अल्लाह मियाँ छुप जाएंगे बाकी सारों ने ढूंढना है, तो मैं कहा अल्लाह मियाँ ने कहा था कि देखो ये एक फील्ड नजर आ रहा था उसमें बड़े मीना बाजार महफलें रंग बिरंगियाँ, अल्लाह मियाँ कहा ये दुनिया है इधर मैं इधर भी छुपाऊंगा तो तुम लोगों ने मुझे पहचानना है, इसके तुम इसके मेलों शेलों में खो जाते हो या मुझे पहचानते हो, कहती है अच्छा तो इधर किधर, मैं कहा जिस तरह कुल्फी की रेड़ी होती है, तो मैं कहा बेटा अब वहाँ पे हो सकता है, आपने कभी सोचा नहीं है कि वो फ्रीज़र में से वो कुल्फियाँ निकाल निकाल के दे रहा होता है, पहले वो उसमें दूध डालता है चीनी डालता है थोड़ी देर बाद वो जम जाती है कुल्फी बन जाती है, हम कुल्फी खाते हैं वो अलफ की सूरत वन की सूरत होती है खा लेते हैं ऊपर से आइसक्रीम खा के, मैं कहा वो जो बीच में काना बचता है वो भी वन की सूरत होता है, कोई हिंट्स आ रहे होते हैं हम खा के फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते कि यार ये अंदर कौन है कुल्फी के अंदर कौन छुपा, ये इसमें मीठा ये मज़ा ये कुल्फी किसने बना दी है, था तो दूध और चीनी ये खोया कैसे बन गया है ये किसने बनाया है ये कौन है, तो मैं कि ये सोचते ही नहीं खा पी के हमने पैसे नहीं दिए हमने खा लिए, कहती बाबा कुल्फी की बात कर रहे हैं, मैं कह जी बाबे की कुल्फी भी समझ लें उन्हें वही खादी होनी है बाबा कुल्फी होगी, मैं कहा बेटा उसमें भी वन की सूरत हिंट होता है ना अलफ की सूरत हिंट होता है, तो वो हम सोचते ही नहीं कि यार ये वन कौन है ये अलिफ कौन है ये कौन है, अच्छा नहीं लेकिन कुल्फी नहीं तो फिर अल्लाह मियाँ वहाँ छुपे होते हैं, मैं कहा अल्लाह मियाँ हर जगह छुपे हैं, मतलब वो कहता है कि मैंने ये दिया ये हुसन तुम्हें मैंने दिया, अब आप देखो ना आप जैसी कई लड़कियाँ हैं, मैं कहा बेटा आप प्रेडो पे महफिल आई हैं कितनी फॉर्चूनर पे, मैं कहा चलो फॉर्चूनर पे आए हो, मैं कहा आपने 5 साल की उम्र में आप एक गाड़ी थी, कहती है जी थी उस वक्त भी प्रेडो भी थी मेरे बाबा के पास लैंड क्रूज़र भी है, मैं कहा जी, मैं कहा वो जो आप आइसक्रीम खाने जाते थे लिबर्टी तो आपकी गाड़ी के शीशे के साथ कोई 5 साल के आपकी एज के कुछ बच्चे आके नाक लगा के बहरे पाँव में जूती भी नहीं है कपड़े भी नहीं होते थे, आपने कभी सोचा था कि ये बच्चा भी मेरी उम्र का ये सड़क पर क्यों है मैं गाड़ी में क्यों, या मैं आइसक्रीम खा रही हूँ और ये मुझे देख रहा है और जो मेरी थोड़े से ड्रॉप्स नीचे गिरे हैं वो नीचे से ही उठा के खाई जा रहा है, ये कौन है ये क्यों ऐसे है ये भी तो बच्चा है, रोना शुरू हो गई, फिर कहती है तो अल्लाह मियाँ उस बच्चे में छुपा हुआ था, मैं कहा मैंने नहीं पता मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, अल्लाह मियाँ तो हर जगह है लेकिन अब आप घर जाएं और आप सोचें आपने ढूंढना है, नहीं नहीं आप बताएं, मैं क्या बेटा मेरे कहने का मतलब है कि अल्लाह मियाँ ने सबको कहा था कि ये दुनिया में जाओ यहाँ पे है, मैं क्या एक चढ़ाई का रास्ता था एक उतराई का था, तो जो उतरने वाला था उसमें बड़े मज़ेदार सीन शीन थे और बड़ा आसान था नीचे उतरना, अल्लाह मियाँ नीचे चले जाओ दुनिया में जाके मज़े करो लेकिन मुझे ढूंढना है,
मुझे याद करना है, मुझे नहीं भूलना। लेकिन बहुत तेजी से नीचे जाओगे ना तो आखिर में एक आग का दरिया है, उसका नाम दोजख है, तो उसका एंड ये है। फिर ज्यादा नीचे ना चले जाना, ज्यादा दर्जे से गिर ना जाना, जरा थोड़ी कुल्फी खाए हो। मैं कहा जो चढ़ाई का रास्ता था उसके एंड पे कुछ ऊपर पहाड़ के नजर ही नहीं आ रहा था, तो अल्लाह मैंने कहा ये चढ़ने का रास्ता, इसकी आखरत जो है ना उधर ऊपर जन्नत के बाग हैं, मेवे हैं, लेकिन चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। तो अगर इधर चढ़ते आओगे, इधर भी कहीं कहीं मैं छुपाऊंगा, लेकिन मुझे ढूंढोगे कि नहीं, तो अगर ऊपर तक आ गए तो फिर जन्नत है, तो जो ढूंढ लेगा उसको फौरन ही ले जाऊंगा। अगर मैं अल्लाह में ढूंढ लूंगा वापस ले जाएगा, मैं क्या हो जी जाओ, नहीं नहीं तो फिर मुझे बताएं, जल्दी बताएं मैं किधर थी। मैं क्या है, तू आप फैसला कर। अल्लाह मियां ने कहा था मांगो क्या मांगते हो, तो 90% ने दुनिया मांगी थी, कहती हो कम। मैं कहा मैनू नहीं पता। 90% ने कहा था दुनिया दे दे, मजे शजे हैं, हम भूलेंगे नहीं, हम बस तुझे भी ढूंढ लेंगे हम। मैं कह 9% ने कहा था आखिरत दे दे। मुश्किल तो है, चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर है कम अज कम आखिर में तो चलो बाग ही होगा, जन्नत होगी। कहती है तो 1% क्यों नहीं बोले। मैं कहा वो चुप थे। कहती है इनडिसाइसिव। मैं कहा मे बी। मैं कहा 1% बोले ही नहीं। तो अल्लाह ने कहा भी जल्दी फैसला करो, खेल शुरू करें, मांगो क्या मांगते हो। वो चुप रहे। फिर अल्लाह ने पूछा अच्छा जन्नत चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। दुनिया चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। वो यार ना आखरत चाहिए ना दुनिया चाहिए, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा हमें तू चाहिए। उन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा था। मैं कहा उन्होंने कहा था या अल्लाह असी नहीं जाना कितने भी, तेनू तक ले इतें ही ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं ये ढूंढ लेंगे, इन्हें ढूंढने दे, हम नहीं तुझे ढूंढ सकते, तू छुप गया तो काम खराब है, हमारे से नहीं छुपना, हमने तेरे साथ रहना है। उन्होंने कहा लेकिन जाना तो पड़ेगा। कहती है वो मैं आऊंगी, मुझे जबरदस्ती भेजा गया। मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा हो सकता है तेनू 16वीं जमात च पेंट शर्ट पा के भी अल्लाह का फड्डा पिया है, तेनू को मसला है। मैं कहा बेटा जी ठीक है, अल्लाह ने हो सकता है कह दिया हो, आप उनमें से हो सकती हैं। कहती है तो 90% दुनिया वाले हैं। मैं कहा जी बिल्कुल दुनिया वाले हैं। 9% आखरत वाले हैं जी, दुनिया 9% आखरत वाले हैं। तो 1% कौन से वाले हैं। मैं कहा जी वो अल्लाह वाले हैं। कहती नहीं मैं अल्लाह वाली नहीं हूँ। मैं कहा जी दूसरी क्यों नहीं है अल्लाह वाले। कहती मेरे पास दुपट्टा भी नहीं है, मैं नमाजें भी नहीं पढ़ती। तो अल्लाह कहाँ है। मैं कहा आप बताएं, मैं तो खुद मुसलमान होने आया हूँ। मुझे कहती है अल्लाह दिल में है, मेरे दिल में अल्लाह अल्लाह होती है। मैं कहा बेटा बस वो ही है। वो क्यों होती है मुझे। मैं कहा मैनू नहीं पता, मुझे एकदम यहाँ कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं कहा वो जब आप उससे बातें करती हैं, उसे कहती हैं कि आप कहाँ हैं, तो वो अंदर से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आते। मैं कहा तू तो गिरेबान मेरा नहीं छड़िया, तू तो अल्लाह फड़ लेना। आपने मुझे क्यों भेजा था इधर। मैं कहा मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि अभी मैं छुपा ही ठीक हूँ, तू बेटा घर जा। कभी कभी इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं। क्यों जी ले लो माँ जी, ले लो माँ को बड़ा मजा आया इस सारी कहानी में, है ना। ले लो माँ को बहुत मजा आया। और ले लो माँ को पता चला कि अच्छा मैं भी नहीं आ रही थी। ले लो माँ का अल्लाह में से यही लड़ाई थी, मुझे को भेजा है, मुझे को भेजा है, मैंने तो नहीं आना था, ठीक है। और उस दिन मैंने कहा आपने वापस जाना है फिर अल्लाह मियां के पास, तो अभी चली जाए। तो कहती हूँ नहीं मैं तो ज्यादा खा इसलिए नहीं कि मुझे उठा ही ना सके। दे माइक यही जवाब दिए इसने। अरे क्या बात करनी, मेरी एंड हो चुकी है सारी बातें। नहीं नहीं आप अपना तारुफ कराएं, लोगों को बताएं। हो चुका है। क्या तारुफ है आपका। हुआ ना। क्यों आई हैं आप इधर। आपकी वजह से। मेरी वजह से। मेरे आने से पहले कुछ बोली हैं। बहुत कुछ बोली हैं। मैंने तो नहीं सुना है। चलो ये वीडियो लगा देंगे फिर मैं देख लूंगा। अच्छा सारों ने सुन लिया। कोई काबले हजम बातें ही बोली हैं, उल्टा सीधा तो नहीं बोलता। मेरे फतवा इनसे टेस्ट करा लें, पूछ लें, इन्विजिलेटर से पूछ लें। नहीं इन्विजिलेटर नहीं, ये सारे भी खुद फंसे हुए हैं। ये भी यही पूछने आए थे हमें क्यों भेजा, हमें क्यों भेजा इधर। मैं कहा मिन्नू की पता क्यों भेजा, मैं भी इतने बैठा, तुम भी भेजो। ये तो बुलाएगा निकल जाएंगे। यस ठीक है ना, बिल्कुल उसकी मर्जी है। अब उसने कहा तो बैठो, ये भी उसका हुक्म है, जब तक कहता है बैठो ठीक है। चल दे उस बच्ची को, वो बोलती तो है नहीं है, बुरका करके आ गई है, दे उसको। वो आगे जिसका बच्चा है, क्या नाम है बेटे का। साथ अमादुद्दीन, इमादुद्दीन। और बसीरत उन आयशा नाम है आपका। आयशा की बसीरत जी सर। अच्छा जी, तो आपने बहुत थेरेपियाँ की,
और बच्चे को कुछ फर्क भी पड़ गया आपके ख्याल में या बेहतर भी है, लेकिन सूरह रहमान का या मेरा या ये सारे मैसेज का आपको कब पता चला? सर ये मुझे नवीदा ने बताया था, नवीदा ने यूके होती है वो, अब वो अपनी अम्मी को भी लेकर आई थी आपके पास, आपको शायद याद होगा। अच्छा नौशहरा विरका से, नौशहरा विरका से थी नवीदा। हाँ जी ठीक है। तो वो मेरी बहुत, क्या बताया था वो क्या करना है? सर वो एक्चुअली मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हाँ जी। तो उसने तो मुझे यही कहा था कि सूरह रहमान के सुनने का। असल में सर जो असल बात है ना वो ये है कि इमादुद्दीन 2.5 साल तक बिल्कुल ठीक था। नवीदा ने कब बताया था आपको ये? एक दो माह पहले जी जी। तो एक दो माह से आपको एक हफ्ता सूरह रहमान सुनने का वक्त नहीं मिला? सर मैं बताती हूँ ना आपको, असल में मैं उनसारी दाद ही सुनी जाऊँ। आप ठीक कह रहे हैं, वाकई हमारे हमसे गफलत हुई है। असल में सर गफलत नहीं हुई, तो हम प्रस्ती जानी नहीं। बाबे और कोल चलिए वो डॉक्टर साहब कुछ हुम शुमाए डुमशमन कर देंगे, उन्हें बच्चा फौरन बंदे का पुत्र बन जाएगा, एदा अब्बा भी सीधा हो जाएगा, अम्मी तो कभी गलत होंगी नहीं। ठीक है, हालांकि तुम दोनों ने ठीक होना है, बच्चा ठीक हो जाएगा। सर दरअसल असल में चोट कैसे लगी है? मैं गिर गई थी। कैसे, किसने गिराया था? सर खुद ही गिर गई थी। सच बोल, सच बोल रही हूँ। खुद ही कैसे? सर ये तो बहुत ही, ये वो वाले हैं जो बर्थडे पे केक लाते हैं, ये बहुत अच्छे, ये नहीं ऐसा कुछ करते। मेरी बेगम ये प्रोग्राम देखती है और मैं आज तक केक नहीं लाया उसके लिए, मुझे घर जाने जगह छोड़ो। ये जो बर्थडे पे केक लाते हैं सब मुनाफिक होते हैं। जितना मुनाफिक ये उस माने में नहीं है, मुनाफिक का मतलब होता है जिसका ईमान अल्लाह पे कम और बेगम पे ज्यादा हो। उसके ख्याल में रोटी बेगम ने देनी होती है, अल्लाह ने नहीं देनी होती। ठीक है, और उसकी थकाई बेगम लगा सकती है, अल्लाह की खैर है, जो समझता अल्लाह की खैर है बेगम को बचो। ठीक है। ये नहीं नहीं सर, आजकल की बेगमें बड़ी समझदार है, वो ना अपने शोरों को गाहे बगाहे भेज रही थी कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि बेगमों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। अच्छा। वो फिर उसको फॉलो करते हैं। तो खामदों को नहीं पता चलता कि वो भी आगे से आयतें भेजें कि हम भी करते हैं, आजकल तो बड़ा आसान काम है। जी जी नहीं नहीं वो भी भेजते हैं, हम भी करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जी। तो सर 2.5 साल तक इमाद बिल्कुल ठीक था, और 2.5 साल तक ठीक ही होता है, मासूम होता है ना। नहीं, तो नहीं पता नहीं चलता, बोलता नहीं है कभी, बोलता था सर बहुत बातें करता था, सारी बातें करता था, नाम सबके, मेरा नाम सबका, घर वालों का, सब एक्टिव, सब कुछ ठीक था, लर्निंग भी स्टार्ट कर दी थी सर। फिर अचानक से इसने, घर में हेयर इश्यूज हुए थे, मैं आई वोंट लाइक, मान जाना यार छोड़ दे जी, बिल्कुल मान जाओ गल, मैं जो कहना पिया। तो सर फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता ही नहीं चला सर, ये चुप कर गया। फिर उसने अलमे बगावत बुलंद कर दिया, यार किथे आ गया। ठीक है, लेकिन सर फिर उसके बाद मतलब ठीक हो गया सब कुछ, और किसी के लिए दिल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सब ठीक है, अपने अपने घर में सब ठीक है, कोई किसी के लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और जो बात आपने की कि शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि सर कभी भी कोई ऐसा इंटरवल नहीं है जब हम कुछ कर नहीं रहे, मेडिकली भी और वैसे भी, मतलब कुछ पढ़, इसके बाबा भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। लेकिन वो जो ख्वातीन की, वो मर्दों औरतों की, अब ऑटिज्म के बच्चों की जो 6-7 वीडियोस हैं, आप कहती हो आपने देख ली, जी जी सर जी, उन वीडियोस को देखने के बाद भी आप दोनों का दिल नहीं किया कि हम इसको 6-7 दिन सुनी? नहीं नहीं, वो मैंने अभी सुनी, अभी सुनी, वो मैंने तब नहीं सुनी थी, वही मैं आपको बात बताने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना शायद आमना नाम है सिस्टर का, उन्होंने, जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत होप मिली उससे ना, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है कि हो जाता है ये वो, लेकिन उससे मुझे एक्चुअली लगा कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपनी सारी स्टोरी बताई कि और इस सेम स्टेज से अभी हम गुजर रहे हैं। इमाद का हम एक स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आप उसका मतलब सर्टिफिकेट नहीं बनवा के लाएंगे वो नहीं होगा। और सर मैं और इसके बाबा इतने बहुत इमोशनली भी हम लोग टर्मोइल से गुजरे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि इमाद के सर्टिफिकेट पे ये चीज़ आएगी डिसेबिलिटी का या इस तरह से, मतलब हम कभी नहीं ये चाहते थे, लेकिन अभी हमें वो करवाना पड़ा। उसका भी वो जिक्र कर रही थी, वो एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन से रिलेटेड थी। इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूं कि
मुंह से गवाही दिया करो, मेरे कहने की बजाय जो मरीज बोलता है या इस तरह के लोग बोलते हैं जिनके ऊपर से ये गुजरी होती है और फिर अल्लाह ने उन पर कर्म किया होता है, तो जब अगर वो अल्लाह की खातिर दिल से बोलते हैं तो ये आगे से आप जैसे किसी ना किसी के दिल को जाके लगती है, क्योंकि वो दिल से निकल रही होती है, आग सच की गवाही होती है। तो मेरे कहने की बजाय मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरे पे तो अब इल्ज़ाम लग गए हैं हज़ारों ऊपर कि डॉक्टर ने हट्टी खोली है, अपने पैसे कमाण ली, प्रैक्टिस करन ली, कुड़ियाँ दी वजह तू बच्चियाँ घेरन ली, लोगों का दीन खराब करन ली, अज नवा इल्ज़ाम है चोरी शिया बनाण ली, आप में हैगा नहीं ठीक है लोगों को शिया बनाण ली कोई कुछ, हत्ता के अहमदी भी मेरे बना दिए किसी ने, मेरे साथ डॉक्टर साहब काम करती हैं वो बेचारी हज पे गई उतू फोन करके पूछ रही मेरे अस्पताल कि सर का पता चला है कि अहमदी, वो अगू जिन्हों फोन कर दी भी वो कहती तेन खाना का भी जो पता लग गया तू हज करन गई तू क्या करनी पई है, कहती नहीं है वो कोई मेरी सहेली है वो उसने पूछा है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब जो है ना उनके नाम में अहमद आता है तो वो अहमदी है, उन्हें गया तेरी अल्लाह रहम करे डॉक्टर साहब के नाम मोहम्मद भी आंदा है, मोहम्मद जवेद अहमद है, उनके वाले साहब का नाम बशीर अहमद चौधरी है, ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें 20 साल से जानती हूँ, आप भी 10 साल से जानती हैं, वो दरबारों पे जाके नाच रहे होते हैं, नहीं फिर अगू वो अपना गुस्सा कढ़िया ठीक है, उन्होंने मेरे से कई गुस्से वो भी शरीयत की पाबंद है, उन्हें कहा वो तो जाके दरबारों पर नचन दिया होंगे तो अहमदी तो नहीं मानते, वो तो 5 दिन पाक को मानता है वो तो नहीं मानते ठीक है, वो बहरहाल जो भी इल्ज़ाम दुनिया सारो तो मेरे कहने से लोग कहते छड़ो पर या पता नहीं की बोल रहे ठीक है, आप लोग जब जो लोग शिफा याब हुए हैं और वो अपनी, मैं भी जब अपनी गवाही देता हूँ ना अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे अल्लाह ने इसमें से क्या दिया, मैं तो बता नहीं सकता, मैं नहीं अब उस एक चीज़ नहीं है, मुझे उसने जितना नवाजा है मैं अपनी बाकी ज़िंदगी बोलता भी रहूँ ना इस सिस्टम से भी जो मुझे मिला है तो मेरा ख्याल है मैं हक नहीं अदा कर सकता, लेकिन चूँकि मुझे बाबा जी से एक वादा किया कि इतनी बात मैंने वो मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जब बोलते हैं जैसे आप खुद ही कह रही हैं कि वो आमना मुझे नहीं पता कौन सी उन 6 में से कोई वीडियो होगी, एक पेरेंट्स मुझे बहुत पसंद आए थे वो यूके से आए थे, उन्होंने कहा था हमने 2.5 साल पहले आपकी वीडियो देखी थी, हमने उसी वक्त पिक कर लिया कि डॉक्टर साहब के पास क्या जाना है, मसला तो हमारे में है, तो हमारा बच्चा उस वक्त ऑटिज़म के स्कूल में जाता था, हम दोनों ने अपने ऊपर काम किया है और अब हम स्पेशली टिकट करा के वो दुआ सेशन में बोल रहे हैं, अब हम आए हैं और ये बच्चा बैठा हुआ है और आप में से कोई नहीं कह सकता कि इसको ऑटिज़म है, वो कह रही है ना एक वीडियो में वो इसमें है कि, और ये नॉर्मल स्कूल में जाता है और यूके के डॉक्टर्स हमें कहते हैं तुमने किया क्या है हुआ कैसे है, यानी वहीं का डायग्नोस्ड है वहीं पर वो बच्चा था और वो दोनों माँ बाप ठीक होते गए हैं बच्चा ठीक होता गया, उन्होंने उसे नॉर्मल स्कूल शुरू करा दिया ठीक है, अब वो मिलने आए थे दोनों और थैंक यू करने भी अपनी गवाही देने भी बोल रहे थे, मैंने थैंक यू क्या लेना था, वो थैंक यू यही है कि वो गवाही दे रहे थे, तो आप दोनों ने भी यही करना है ठीक है, आपके करीब कौन बैठा हुआ है इसको बाजी आप पकड़ेंगी या कमल आप पकड़ेंगी, इसको छोटू को पकड़ेंगी प्यार से, आप दोनों माँ बाप इसकी तरह से ध्यान हटाओ, कमल इसको अपने पास कर ले गोदी में पकड़ ले अपने पास, फोन को छोड़े पर तू दी जान छड़ दे सानू फड़ना आंदा तू बह जा आराम नाल ओदे वालू ध्यान हटा, आप दोनों माँ बाप इसकी तरह से ध्यान हटाए, यार तू छड़ दे ओदी जान आंखें बंद कर, मुझे लगता है आप ज़्यादा अटैच हैं उससे, आंखें बंद करें, ये जब तक इसके साथ अटैच रहोगे ना तुम तंग होगे ये तंग होगा, आंखें बंद करो अपने अपने अल्लाह के आगे जाओ उसके आगे इसको सरेंडर कर दो, उसे को या अल्लाह तेरी चीज़ है तेरे हवाले, इसके माँ बाप रहो इसके मालिक ना बनो, मालिक इसका कोई और है, इसको इसके मालिक के हवाले करो, जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना और कुछ भी नहीं करना, अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करो और उसके हवाले करो, आंखें खोलें, अभी क्या महसूस कर रहे थे, जो बस हुआ है वो बताएं मुझे, सर भारी था या चक्कर आया है या हार्ट बीटिंग तेज़ हुई है कि कंधे भारी हुए हैं, जो भी फीलिंग थी सुकून फील हुआ है, चलो शुक्र है, आपको का कीजिए आंखें खोलें, हाँ जी लाइट फील हुआ है, और सर भारी हुआ है या कंधे भारी हुए हैं या हार्ट बीटिंग तेज़ हुई है, कंधे भारी हुए हैं ना जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो, इसकी तरफ से ध्यान हटाओ, दोबारा मैं डीलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ आप दोनों से, 3 बार ही कोशिश मैंने करनी है, इसको अल्लाह के हवाले करो, दुआ आप लोगों से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर करो दोनों आंखें बंद,
इसकी तरह से बिल्कुल बेफिक्र होके ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करो और इसे अल्लाह के हवाले करो कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले। आंखें खोल लें जी, काकी जी अभी दिल को झटका सा लगा है या हार्ट बीटिंग तेज हुई है, क्या हुआ है? सच बोल जो भी है, माइक कहाँ है तेरा? हाँ सर, हार्ट बीट तेज हुई है। और दिल को झटका सा लगा है कि नहीं लगा? तू झटका लगाना लगाया ना मुझे, मैं क्यों बोलूँ, तू क्यों नहीं बोल रही, और क्या हुआ है? सर बस मेरा दिल खींच रहा है। दिल खींच रहा है? अल्लाह ज्यादा ध्यान कर सकता है कि तू कर सकती है? अल्लाह कर सकता है सर। फिर अल्लाह ज्यादा सही है, तबीब है इसका या तू? सर वो ही है। तो उसके हवाले मुकम्मल करना, ठीक है? आप बेटा खोल के बैठो। आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ, आंखें बंद करो फिर और ध्यान इसकी तरफ से हटाओ दोनों। हाँ जी, आप आंखें खोल लें जी। सुकून है, जिस्म हल्का हो गया, कंधे हल्के हो गए हैं जी, हल्का हो गया। चलो शुक्र है। तो आज से इसकी फिक्र छोड़ दो। आपका क्या हाल है जी, क्या नाम है आपका? साजिद साहब। साजिद साहब आज से इसकी फिक्र छोड़ दें, इसकी केयर करें आप लोग, इसकी नर्स बने, इसके डॉक्टर बने इसके। आप जैसे नर्स अपनी ड्यूटी में मरीज का पूरा ख्याल करती है, लेकिन अपनी शिफ्ट छोड़ के फिर अगली शिफ्ट में दूसरी के हवाले कर देती है, उसे घर नहीं ले जाती कि नहीं मेरी ही चीज़ है, इसे मैंने ही करना है, ठीक है? ज़्यादा शजरे सायादार बनेंगे, ज़्यादा घना दरख्त बन के घेरा डालने की कोशिश करेंगे ना, जो बड़ा दरख्त होता है उसके नीचे दूसरा पौधा नहीं ग्रो करता, उसको उससे 10 फुट दूर लगाते हैं ना, गर्मी सर्दी तूफ़ान, फिर वो सारा मुकाबला करके ऊँचा बड़ा दरख्त बनता है, ठीक है? अल्लाह पे ट्रस्ट करना है आपने, बाकी इसकी नीड्स का ख्याल करना है, इसे प्यार करना है, इसका सारा कुछ। ये सोचना छोड़ दें क्या होगा, डॉक्टरों ने तो कहा ये नहीं ठीक हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो डॉक्टरों के इलम के मुताबिक, उनके पास इलम नहीं है, ठीक है? जिसने ठीक करना है, जो शिफा देता है, उसने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। आप दोनों ने सुबह दोपहर शाम उस अल्लाह के आगे पेश होकर इसको सुनना है, अपने दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर, ठीक है? علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان